नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष सिंह sharefreak.in से। आज हम लोग बैंक निफ्टी के डेवलपमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि आज एक्सपायरी था और एक्सपायरी में अनएक्सपेक्टेड मूव हमेशा होता है, और कल के वीडियो में भी मैंने बताया था आपको कि बैंक निफ्टी में एक अनएक्सपेक्टेड मूव पेंडिंग है, शॉर्ट कवरिंग हो सकती है। आप देख सकते हो कि इतनी बड़ी कैंडल जो बनी है बैंक निफ्टी में, तो बैंक निफ्टी आज ओपन हुआ और ओपन होने के बाद बहुत ही सीमित दायरे में काम कर रहा था। और जैसा कि मैंने ये लाइन कल भी बताया था कि ये लाइन के अंदर में बैंक निफ्टी है और यहाँ पर भी आपको एक सिमेट्रिकल बना हुआ है, और सिमेट्रिकल से जैसे बैंक निफ्टी बाहर निकलेगा ऊपर में बड़ा मूव आएगा। और अपने टेलीग्राम चैनल में कल मैंने लिखा था कि 40,150 बैंक निफ्टी में बहुत जल्द हम देखेंगे, और आज के दिन ये टारगेट हमारा पूरा हो गया। सो इंटरडे चार्ट को देखते हैं और समझते हैं कि एक्चुअली क्या हुआ। ये बैंक निफ्टी का इंटरडे चार्ट है 15 मिनट का, और कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ये हमारा एक सिमेट्रिकल पैटर्न है जिसमें बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है। और बैंक निफ्टी में मूव जो कल दो दिन से जो एक सिमेट्रिकल पैटर्न में चल रहा था, और कल मैंने बोला था कि इस पैटर्न से बाहर निकलते ही एक बड़ा मूव ऊपर या नीचे की तरफ आएगा। सो बैंक निफ्टी में ऊपर ब्रेकआउट दिया, और जैसे ही 39,650 कल जो मैंने लेवल बताया था उसके ऊपर निकला बैंक निफ्टी, उसमें एक अच्छा खासा मूव आया। स्पेशली बड़ा वाला रेजिस्टेंस जो था 39,800 का रेजिस्टेंस था, जिसको बैंक निफ्टी ने इस बड़े कैंडल में ब्रेकआउट दिया। फिर ऊपर का जो हमारा टारगेट था कल के टेलीग्राम चैनल में, कल मैंने लिखा था 40,150 का ट्रेंडलाइन के भरोसे ही मैंने लिखा था कि यहां तक बैंक निफ्टी आ सकता है, तो एग्जैक्टली यहां टच किया है। तो इंटरडे चार्ट में आप देख सकते हो कि अभी ये जो रैली थी इसका टारगेट एक्चुअली हो चुका है। अभी बैंक निफ्टी में जैसा कि प्रिडिक्ट किया गया था, जैसा कि हमने प्लान किया था, वैसा एग्जैक्टली हुआ। हमने ये भी बोला था कि दिन भर हो सकता है कि रेंज बाउंड रहे और सेकेंड हाफ में मूव आए। सेकेंड हाफ में मूव आया, बट थोड़ा लेट आया, 3 बजे के आसपास आया। अभी कल के दिन बैंक निफ्टी का बेस्ट बाय जोन आपको बनेगा वापस नीचे में 39,800 के पास, ये बेस्ट बाय जोन है। अगर इस लेवल पे आए तो जरूर बाय करना चाहिए, अगर नहीं तो सेकेंड बेस्ट बाय जोन आपको आएगा इस लेवल पे 39,950 का, और दूसरा एक लेवल आएगा 39,800 के पास। तो ये इंपॉर्टेंट बाय जोन है, इसके नीचे आए तो आपको स्टॉप लॉस इसके नीचे का लगाना है। और अब आपका कंफर्म स्टॉप लॉस जो लॉन्ग पोजीशन का है 39,300 के नीचे का कंफर्म स्टॉप लॉस हो गया, जो हम इस लेवल को कंटिन्यूअसली होल्ड कर चल रहे थे। अभी ये जो लेवल है इसके ऊपर अब रफली मैं अगर लूँ तो ये आएगा 40,300 का लेवल, इसके ऊपर अगर बैंक निफ्टी होल्ड करता है तो ही जाकर एक बड़ा मूव आएगा। एक बार और मैं डेली चार्ट को दिखाना चाहूंगा आपको, कुछ चीजें समझाने की कोशिश करूंगा कि डेली चार्ट में यहां पर बैंक निफ्टी ने इस लेवल को दोबारा टेस्ट किया है और एक नया हाई बनाया। सो लेवल पे जब तक बैंक निफ्टी इसके ऊपर निकलता नहीं है, बैंक निफ्टी में एक बड़ा मूव आने का चांस नहीं रहेगा। 40,300 से लेकर 40,500 का एक रेंज जो है, ये आपको 200 पॉइंट्स का एक रेजिस्टेंस जोन बनेगा, जो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका एक ये रेंज बनकर आता है। ये इस रेंज के पास आपको शॉर्ट जरूर मिलेगा, यहाँ पे रेजिस्टेंस मिलेगा। तो इस लेवल पे कॉल बाय नहीं करना है, इस लेवल पे वेट एंड वॉच करना है। यहाँ पर आप पुट बाय जरूर कर सकते हैं नीचे का एक मूव के लिए। नीचे में आपको सपोर्ट अब इमीडिएट बनकर आएगा 39,950 एंड 39,800। तो ये आपको सपोर्ट बन गया बैंक निफ्टी में, और ये आपका रेजिस्टेंस बन गया। सो ये एक नया लेवल बन मिलकर आएगा आपको मंथली एक्सपायरी के लिए 39,300। ये आपको लॉन्ग पोजीशंस के लिए, जब तक बैंक निफ्टी अब 39,300 के ऊपर है, आपका ये लॉन्ग पोजीशन इंटैक्ट है, बाय ऑन डिप की स्ट्रेटजी रखनी है। इसके नीचे टूटने क्लोजिंग देने के बाद ही आपको वीकनेस दिखाई देगा, जो 39,000 और 38,800 की तरफ लेकर जा सकता है, राइट? अभी 15 मिनट चार्ट में जो हमने डिस्कस किया था, इस लेवल पे ये लेवल पूरा हो चुका है, 40,150 का टारगेट हमारा। अब यहाँ से ऊपर में जब 40,300 के लेवल निकलेगा, तभी जाकर एक बड़ा मूव
40,500 के लिए हम देख सकते हैं। नीचे का लेवल मैंने बाई का बता दिया है आपको, ऊपर का रेजिस्टेंस लेवल बता दिया है, फिर से उसी रेंज में आपको ट्रेड करता रहेगा और एक्सपायरी के एक दिन पहले या एक्सपायरी के दिन आपको किसी एक साइड बड़ा मूव मिलने का चांसेस रहेगा। दिस इज द एक्चुअल पैटर्न ऑफ द बैंक निफ्टी। चलिए डेटा को देखते हैं और समझते हैं। ये बैंक निफ्टी का मंथली एक्सपायरी का ऑप्शन डेटा है और ऑप्शन डेटा में हम देख सकते हैं कि 40,000 लेवल पे पुट साइड में ओपन इंटरेस्ट है एंड 11 लाख का कॉल साइड में ओपन इंटरेस्ट है। सो ये क्लियर रेजिस्टेंस दिख रहा है कल के एक्सपायरी के लिए। नेक्स्ट एक्सपायरी जो मंथली एक्सपायरी है उसके लिए 39,900 लेवल पे 1,68,000 का पुट राइटिंग है एंड 1,67,000 का कॉल राइटिंग है। तो ये जो लेवल है ये आपका कल के लिए मेक एंड ब्रेक लेवल आएगा। इसके ऊपर टिका है बैंक निफ्टी तो पॉजिटिव रहेगा, इसके नीचे गया तो थोड़ा नीचे में हम देख सकते हैं 39,750 से लेकर 39,800 का रेंज। सो ये आपको मेक एंड ब्रेक लेवल कल के लिए है डेटा के अनुसार। और सपोर्ट जो बनकर आएगा वो आएगा 39,800 जहां पर 1,74,000 पुट राइटिंग है एंड 1,60,000 कॉल राइटिंग है। तो ये जो सपोर्ट है वो भी कुछ ज्यादा दिख नहीं रहा है डेटा, यहां पर भी कुछ ज्यादा डेटा नहीं है। फ्राइडे के दिन इवनिंग में हो सकता है डेटा में कुछ डेवलपमेंट होगा तो मैं और ज्यादा आपको बता सकूंगा। बट ये क्लियर हमें ये चीज दिख रहा है कि 40,000 का रेजिस्टेंस बनकर आ रहा है बैंक निफ्टी में और 39,900 लेवल मेक एंड ब्रेक लेवल दिख रहा है। इनफैक्ट 39,800 लेवल पे भी एकदम नेक टू नेक डेटा है, दोनों साइड बराबर है। 39,700 लेवल पे 2,21,000 कॉल साइड में एंड 2,64,000 पुट साइड में, देन 39,600 लेवल पे 1,81,000 एंड 2,00,000। मीन्स मैं जो देख पा रहा हूँ यहाँ पे, पता नहीं ये डेटा बहुत ही अजीब सा दिख रहा है। और अजीब सा दिखने का मतलब, कहने का मतलब ये है कि बहुत ज्यादा किसी साइड में भी डेवलपमेंट नहीं है। इधर भी जो पुट साइड में है और जो कॉल साइड में है सारे ऑलमोस्ट बराबर है। तो ये डेटा देखकर कुछ मतलब नहीं बनेगा क्योंकि अभी हमें इससे कुछ समझ में नहीं आएगा। तो फ्राइडे को जब डेटा में और डेवलपमेंट होगा तो एंड ऑफ द डे हम डेटा को देखेंगे और फिर आगे की स्ट्रेटजी बनाएंगे मंथली एक्सपायरी की। 40,200 के ऊपर डायरेक्ट खुलता है तो ही जाकर हम शायद 40,000 को होल्ड कर पाएंगे। अनलेस अगर इसके बीच में खुलता है तो शायद नीचे में 39,900 का लेवल हम जरूर एक बार टेस्ट करेंगे। बाय ऑन डिप स्ट्रेटजी रखनी है, नीचे आए तभी बाय करना है, ऊपर के लेवल पे आपको वेट करना है। मिलते हैं कल न्यू डेटा के साथ, न्यू स्ट्रेटजी के साथ। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। मीट यू टुमारो विद न्यू स्ट्रेटजी विद न्यू डेटा। टिल देन टेक केयर ऑफ सेल्फ। जय हिंद।